हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि खुदा तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बलचल कर रखा, स्वस्थ रखा। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि उसने हमें संभाला, रक्षा किया, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचा कर रखा। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मेरे परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं और पिता परमेश्वर हम तेरी वेदी के पास आते हैं और पिता परमेश्वर तेरी वेदी के अंगारे से हमें छू लीजिए, नम्र और दीन कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पिता परमेश्वर टूटा मन तेरे योग्य है, इसलिए परमेश्वर हमारे मन को हम पिता परमेश्वर नम्र करते हैं, दीन करते हैं और आपके चरणों में आते हैं खुदा पिता परमेश्वर, क्योंकि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर तो तू ही है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी और सर्वसत्ता संपन्न परमेश्वर तो आप ही है, जो समुद्र को चुल्लू में ले लेते हैं, जो आकाश को तंबू के समान तानते हैं। स्वर्ग तो आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है मेरे खुदा पिता परमेश्वर। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपके तुल्य और कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपके तुल्य और कोई नहीं है। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं, भले चंगे हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा। मेरे प्रियो, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो उसकी माँ करुणा का फल है और उसकी दया अमर है। मेरे प्रियो, उसकी करुणा हमारे लिए प्रतिभोर नहीं होती जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इस बात के लिए परमेश्वर का आदर कीजिए। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उसका प्रेम अगापे है। हम प्रेम करें या ना करें, लेकिन वो हमें प्रेम करना नहीं छोड़ता। हम दूसरों के ऊपर दया करें या ना करें, लेकिन वो हम पर और दूसरों के ऊपर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांति दायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियों। हमारा परमेश्वर वायदा करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है। हमारा परमेश्वर भला है, सच्चा है, जीवित है। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। और जो तुझ पर अनुग्रह करता है, जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। मेरे प्रियो, हम उसकी संतान है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि पास्टर जी, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन परमेश्वर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। मैं उस फ्रेंड से कहना चाहूंगा, उस भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि मेरा परमेश्वर महान है, आपकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको महसूस करने की जरूरत है, आपको रिसीव करने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, अपने समय में वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। उसकी दया आप पर से कभी ना हटेगी, आपकी ऊपर ही रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे ये धरती मिट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करना कभी नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिए, ये मन में बैठा लीजिए कि परमेश्वर की नजरों में, उसकी दृष्टि में आप लोग अनमोल हैं।
आप इतना जान लीजिए कि आपका चेहरा मेरे खुदा के हथेली पर खोदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, आप जितना भी सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपका खुदा आपके साथ है, वो सुन रहा है। धीरज रखिए, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ पूरा करेगा। वचन में साफ लिखा है कि मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे कुशल के लिए है, भलाई के लिए है, और वो तुम्हारी जो आशा है अंत में पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देरी नहीं करेगा, आपको आशीष देने में देरी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदा, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर आपकी करुणा हम पर से कभी ना हटेगी। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा, हर एक सदस्य को, हर एक मेंबर्स को, हर एक लोगों को, चाहे पिता परमेश्वर कहीं से भी हो, पिता परमेश्वर इस धरती से हो या पिता परमेश्वर ग्रहों से हो, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, हम सभी आपके हाथों में हो जाते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नजदीक में आते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और पिता परमेश्वर पूरा पूरा आदर आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, इस रात्रि को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मेरे प्रियो, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रब शंदर दन लरम रिखन लरथि न लरदन लरब लरब बबरिशकन लरथि। मेरे खुदा, इस समय में जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता, अपने अभिषेक से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो पिता परमेश्वर बहुत चिंता करते हैं, घबराते हैं, उनको लगता है कि हमारा परमेश्वर हमें नहीं सुन रहा। प्रभु, आज उनको उत्तर देगा, आज तू ने उत्तर देगा खुदा। पिता परमेश्वर, आपकी करुणा उनके ऊपर से कभी ना हटे, क्योंकि तेरा वायदा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हाँ मेरे खुदा, आपकी करुणा कभी भी पिता परमेश्वर के ऊपर से कभी ना हटेगी। पिता परमेश्वर, उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर बीमारी अवस्था में पड़े हैं, जिनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है, कमजोरी है, कष्ट पीड़ाएं है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनके ऊपर तू तरस खा, उनके ऊपर तू दया कर परमेश्वर, उनके ऊपर रहम कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उस बीमारी अवस्था से उन्हें निकालिए, उस परिस्थिति से निकालिए परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है, कमजोरी है, पिता परमेश्वर मिर्गी की बीमारी है, किडनी स्टोन है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, टीबी है, शुगर की बीमारी है, और कई प्रकार की बीमारी है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, चल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, पिता परमेश्वर लकवे का बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर वो अपने अपने बेड से उठ खड़े होंगे और उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी खत्म होगी। छंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, उनके ऊपर तू रहम कीजिए खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो छंगाई को प्राप्त करने पाए। आपकी महिमा उन लोगों के द्वारा होगी पिता परमेश्वर। में क्यों परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। रब शंदर दन लरब ओ रिखन लरथिन लरत बबन लरब। मेरे खुदा, तूने चंगाई दे, मेरे खुदा तूने चंगाई दे, उनके ऊपर तू रहम कर। मेरे पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, जिनके ऊपर नाना प्रकार का कर्जा है पिता परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं जो सुसाइड की ओर जा रहे, प्रभु आत्महत्याओं की ओर जा रहे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तू उनके ऊपर रहम कर। पिता परमेश्वर, उनका बिजनेस सही से चलने पाएगा, और पिता परमेश्वर उनकी जॉब के लिए तू प्रबंध करेगा,
आने वाले दिनों में उनके ऊपर से हर प्रकार का कर्ज का श्राप टूट जाएगा। पिता परमेश्वर दया कर उनके ऊपर से हर प्रकार का श्राप के बंधन टूट जाएंगे, अंधकार की शक्ति मिट जाएगी। पिता परमेश्वर वो कर्ज से बाहर निकल जाएगा खुदा। पिता परमेश्वर तू दया कर ऐसे लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर जो कर्जा है, पर पिता परमेश्वर परेशान है, तकलीफ में है, कर्जदार उन्हें परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तुम्हें बिजनेस का प्रबंध कीजिए, जॉब का प्रबंध कीजिए, पर उनके जीवन से हर प्रकार का कर्जा खत्म हो जाए। प्रभु दया कर तू रहम कर खुदा। पिता परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना को सुन लिया, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं उनके ऊपर तू रहम कर। पिता परमेश्वर कई बहनें हैं जो अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार वालों से, अपने गांव वालों से पिता परमेश्वर अनादर को झेल रही है खुदा। पिता परमेश्वर उनके अनादर के बदले उन्हें दूना भाग मिलने पाएगा। पिता परमेश्वर उनके ऊपर तू रहम कर, उनके ऊपर तू अपनी करुणा बनाए रख परमेश्वर। यीशु मसीह नासर के नाम से उनके जीवन से, उनके शरीर में से हर प्रकार का गुप्त रोग, हर प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उनके पास वंश होंगे खुदा। तो दया कर यीशु, दया कर, रहम कर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में पिता परमेश्वर। तो अनुग्रह कर यीशु के नाम से आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर के पास वंश होंगे। हालेलुया रब शंदा रब ला रब रिका ना ला रा चिना ला रा दा बाबा ना ला रा बा ला रा दा ना ला रा रिका ना ला रा चिना ला रा दा ना ला रा बा ला रा बा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर लोकल में प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। जो पति पत्नी अलग हो चुके लड़ाई झगड़े के वजह से, पाप और अपराध के वजह से, व्यभिचार के वजह से, यीशु मसीह के नाम से उनके बीच में से पाप और अपराध व्यभिचार खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, और आने वाले दिनों में पति पत्नी एक साथ मिलेंगे परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके बीच से हर प्रकार का व्यभिचार खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया रब शंदा रब ला रब उनका परिवार फिर से जुड़ने पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया रब शंदा रब ला रब पिता परमेश्वर लोग ले प्रार्थना करना चाहते हैं जो अनाथ और विधवाएं हैं परमेश्वर, उनकी तू सुधि लेगा परमेश्वर, तू उनकी सुधि लेगा परमेश्वर। अनाथ और विधवाओं का न्याय तो तू करता है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तू छू ले। उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसने पिता परमेश्वर किसी के द्वारा धोखा खाया है, उनकी भूमि को किसी ने कब्जा किया है, उनके पैसों को किसी ने कब्जे किया है, यीशु मसीह उनके ऊपर रहम कर, रहम कर। जिसने भी धोखा दिया है उनको तू ताड़ना दे परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका बुद्धि खुल जाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे पास आ सके, वो तेरे राज्य के वारिस हो सके, और पिता परमेश्वर जिसको भी उन्होंने धोखा दिया है पिता परमेश्वर उनकी भूमि उनका पैसा देने वाले हो जाए, उनकी भूमि उनके पैसा देने वाले हो जाए खुदा। यीशु के नाम से रब सुंदर रब 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 पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो कोर्ट के केस में फंसे हैं परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू उन्हें छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से, उनके ऊपर तू रहम कर, दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। जिस किसी ने भी फंसाया उसके जीवन को बदल दे परमेश्वर, यीशु के नाम से उसके जीवन को बदल दे और तेरे राहों पर आने वाले बन जाए खुदा। यीशु के नाम से तेरे लोगों को तू छुड़ाएगा परमेश्वर, तू उनके ऊपर रहम कर। बाबा बाबा बारिश का नल रख रेखा ना ला रखी ना ला रहा था बना ला रहा बना रहा यीशु के नाम से तू उनके ऊपर रहम कर। पिता परमेश्वर लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर, दे रहे परमेश्वर उन बच्चों को, उन जवानों को, उन लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप, उन्हें सिलेक्ट कर, उन्हें तो सिलेक्ट कर परमेश्वर, उनके ऊपर रहम कर, दया कर परमेश्वर। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है खुदा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ परमेश्वर, जीवन साथी का प्रबंध कीजिए, जीवन साथी का प्रबंध कीजिए यीशु के नाम से। तेरा दास और दासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, ने अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, अपने शक्ति से भर, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर, ताकि दुनिया के कोने कोने तक आपका वचन फैला सके।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उन लोग भी प्रार्थना करना चाहते जो किसानी करते परमेश्वर, इस समय में वो कटने का समय है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो जय जयकार के साथ लौटने पाएंगे और उनके जीवन से, उनके ऊपर से हर प्रकार का कर्जा खत्म होगा, हर प्रकार की गरीबी खत्म होगी। हालेलुया रब शंदर रब अलर, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका आदर कीजिए। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस रात को तेरे हाथों में सोते थे प्रभु, जब हम सोते हैं परमेश्वर मीठी नींद दे, सपना और दर्शन से बातचीत कर, सुबह की रोशनी दे, ताकि एक बार फिर से उठकर हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की जयजयकार करें। हाँ खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। हर एक प्रार्थना निवेदनों को फिर से मैं तेरे पास लाता हूँ। तेरा वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हाँ खुदा, तेरी करुणा हम पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आपको को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंप तो ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जॉन ने बोला आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके संग, चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो परंतु उसकी करुणा कभी भी आपके ऊपर से न हटेगी। हालेलुया, इसलिए प्रभु में आप बने रहो, विश्वास में मजबूत बनो, प्रभु आपके संग है, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें, सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड।